हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 10 ईदगाह। ईदगाह एक कहानी है, एक स्टोरी है। सभी बच्चे ईद के मेले में जा रहे हैं। किसी ने झूला झूला तो किसी ने मिठाई खाई, किसी ने अपनी पसंद के खिलौने खरीदे। पर हामिद ने ऐसा क्या लिया जिससे उसकी दादी का मन गदगद हो गया। आओ पढ़े इस कहानी में। ईदगाह में क्या है, स्टोरी है एक, इसमें ईद का मेला लगता है। तो सभी उसमें मेले में जा रहे हैं। तो उसमें एक हामिद बच्चा है, जिसने उसने अपनी दादी के लिए क्या खरीदा जिससे उसकी दादी का मन बहुत खुश हो गया, करुणा से भर जाता है उसकी दादी का मन। ऐसा उसने क्या किया, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। रमजान के पूरे 30 दिनों के बाद आज ईद आई है। सभी ईद का जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से वे अनगिनत चीजें खरीदेंगे। सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह एक 4-5 साल का दुबला पतला गरीब लड़का है जिसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। उसे बताया गया है कि उसके अब्बा रुपए कमाने गए हैं। अब्बा मतलब पिता। वे उसके लिए बहुत से खिलौने लेकर आएंगे और खूब सारा धन भी कमा कर लाएंगे। मम्मी अल्लाह मियाँ के घर में उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं। और अम्मी मतलब माता जी। इसलिए हामिद बहुत प्रसन्न रहता है। अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। 3 पैसे हामिद की जेब में और केवल 5 पैसे अमीना के बटुए में है। गांव से बच्चों का मेला चला। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें बेहद अनोखी थी। जिस चीज की और देखते ही रह जाते। सहसा ईदगाह दिखाई दिया। सहसा मतलब अचानक। ईदगाह दिखाई दिया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया में नीचे फर्श पर जाजिम बिछा हुआ था। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक दूर तक चली गई हैं। नमाज अदा करके लोग आपस में गले मिल रहे हैं। फिर मिठाई की दुकानों और खेल तमाशों की दुकानों पर धावा बोलते हैं। बच्चे मेला देखकर बहुत खुश हैं। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसे में बैठकर 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन पर बैठते हैं। हामिद अपने पैसे जरा सा चक्कर खाने के लिए खर्च नहीं कर सकता। 3 ही तो पैसे हैं उसके पास। इसके बाद हामिद सब खिलौनों की दुकानों की ओर बढ़े। अरे वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। नूरे ने वकील खरीदा। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। हामिद मन महसूस कर रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयां आती हैं। किसी ने रेवड़ियां ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा,
मजे से खा रहे हैं। हामिद बेचारे के पास 3 पैसे हैं। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रबड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रबड़ी निकाल कर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रबड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया कर कहता है, मिठाई कौन सी बड़ी चीज है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे पास सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा, महमूद ने कहा। मिठाई के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण ना था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देगी। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कहा, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। फिर कलेजा मजबूत करके पूछा, 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुननी पड़े। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर लड़के को चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियां बिश्ती नीचे आ गए और सुर लोक सिधारे। थोड़ी देर में मियां नूरे के वकील का भी चोला माटी में मिल गया। महमूद को ठोकर लगने से सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ गया और उसकी एक टांग टूट गई। इधर हामिद की आवाज सुनते ही अमीना दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, यह चिमटा कहाँ से आया। मैंने मोल लिया है, अमीना दादी ने पूछा, के पैसे में। तो हामिद ने बोला, 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली, ये कैसा ना समझ लड़का है कि दोपहर हो गई, कुछ खाया पिया ना, कुछ न खाया ना कुछ पिया, चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे, वहां भी इसने जब्त मतलब सहन, इसने इतना सहन कैसे किया। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया और वह आंखों से आंसू बहाते हुए हामिद को दुआएं देने लगी। थैंक यू।